अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का दिन है दोस्तों। दो तीन दिन से कोई वीलॉग बनाया नहीं है, आज मौका मिला है वीलॉग बनाने का। टाइम जो है 5:10 हुआ है, तो काम अभी शुरू किया है। हमने दोपहर को भी काम किया था, दो राइड जुम्मे से पहले ली थी और एक राइड जो है वो जुम्मे के बाद ली थी। तो अभी 5 फिर निकले हैं दोस्तों। अभी एक राइड ली है हमने, G10 मरकज़ जा रहे हैं राइड पिक करने। पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, तो देखते हैं दोस्तों अभी शाम के टाइम पे जो है वो काम की क्या पोजीशन है। इनको ड्रॉप करना है G10 की राइड अभी लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह दो राइडें ली हैं जुम्मे से पहले और एक राइड जुम्मे के बाद ली है 600 रुपये की। उससे पहले जो है एक राइड हमने ली है 545 की और एक राइड ली है 400 की। तो तीन राइडें हम ले चुके हैं, अभी ये चौथी राइड अभी हम लेके जाएंगे G10 मरकज। तो मौसम दोस्तों आजकल चेंज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दिन को काफ़ी धूप तेज़ होती है। तो ऑल ओवर मौसम ठीक है, मतलब इन ड्राइवर के काम में कोई अभी मसला नहीं होता। पहले तो ये कि गर्मी की वजह से काफ़ी तंग होते थे, थक जाते थे, दिल नहीं करता था। अभी ये है कि गर्मी कम से कम तंग नहीं कर रही। ये G10-2 में राइड ड्रॉप हो चुकी है हमारी, जो है वो टोटल 4 राइडें हुई हैं। ये दोस्तों एक राइड मिली है G10-2 से फ्रेस्को स्वीट ब्लू एरिया। तो ये G10-2 से अभी हम फ्रेस्को स्वीट ब्लू एरिया जा रहे हैं। ये ड्रॉप ऑफ, ये पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। G10-2 की ये स्ट्रीट नंबर 16 है, आ रही है। ये ब्लू एरिया में फ्रेस्को स्वीट के सामने राइड ड्रॉप किया, ये सामने फ्रेस्को स्वीट है। तो ये हमारी 5वीं राइड थी और इन ड्राइवर में राइड थी। ये कंप्लीट करते हैं राइट। एक येंगो में राइड ली थी हमने और 4 इन ड्राइवर में। येंगो में जो राइड ली थी वो जुम्मे के बाद हमें मिली थी, ये नस्ट यूनिवर्सिटी की। तो 1675 ये है और येंगो की राइड कितने की है अभी, येंगो 348 रुपये। तो ये तकरीबन 2000 की अर्निंग हमारी हो गई है। तो येंगो में भी अभी राइड लेंगे, येंगो भी अभी स्टार्ट करते हैं। ये येंगो भी स्टार्ट हो गई है, माय एरिया पे हम राइड लेंगे। तो ये ब्लू एरिया में खड़े हैं फ्रेस्को स्वीट के सामने। राइड मिली है I-91, इनको ड्रॉप करना है। वैसे नॉर्मली मैं I-91 जाता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये येंगो है तो येंगो में जाना पड़ेगा दोस्तों। अभी इधर से ही कोई बंदा आएगा, यही लोकेशन उन्होंने डाली है जहाँ पे मैं अभी मैं खड़ा हूँ। तो अभी पता नहीं कब आएगा। I-9 में दोस्तों राइड ड्रॉप की, अभी ये पैसे लेने गई हैं। अभी पैसे लेके आएगी तो फिर इसकी राइड एंड होगी। ये हमारी छठी राइड थी दोस्तों। येंगो में एक राइड आई है दोस्तों I-83 की, अभी ये पिक करने जा रहे हैं। ये तकरीबन अब पहुंच गए हैं। तो सामने ही है ये चौक से आगे, ये पिकअप लोकेशन पे पहुंच गए हैं। ये लोकेशन ड्रॉप ऑफ है और ये ड्रॉप ऑफ।
ये पिकअप लोकेशन है और ये है ड्रॉप ऑफ, IA2 में ड्रॉप करना है। तो ये भाई साहब जैसे कि आए दोस्तों, राइड आ रही हैं धड़ाधड़, लेकिन फेयर इतना कोई ख़ास नहीं है। अभी यहाँ पे राइड ड्रॉप की है मैंने, वो I9 वाली। अभी फिर ये I10 की राइड मिली है, सोनी रोड I10। तो अभी I10 जा रहे हैं दोस्तों, इनका पता नहीं कितना फेयर होगा। ये डायरेक्टेड ऑफ जो बोर्ड है वहाँ से ये राइड पिक करेंगे, बोर्ड ऑफिस इस्लामाबाद। तो बोर्ड से राइड पिक करनी है, यहाँ से कोई आएगा अभी कार में बात हुई, मेरे ख्याल में इस गाड़ी में I10 4 में राइड ड्रॉप की। अभी 325 इनका बिल था, 6.5 किलोमीटर की राइड थी। तो ये येंगो में राइड थी दोस्तों, ये देखें 325, इसको कंप्लीट करते हैं। पैसेंजर विल पे 325। 422 की थी, लेकिन इन्होंने 325 दे दिए, बाकी इनका कोई डिस्काउंट चल रहा था। तो अभी ये I10 4 में सोनी रोड पे खड़े हैं, यहाँ पे दोस्तों राइड का वेट करेंगे। 8 राइडें हो गई हैं टोटल, चार येंगो में और चार जो है वो इन ड्राइवर में। चार जो येंगो में राइड्स ली हैं उसकी 1465 अर्निंग हुई है, और इन ड्राइवर में जो चार राइडें ली हैं उसकी कितनी अर्निंग हुई है, 1675। येंगो में G13 की राइड मिली है दोस्तों, G13-2 जा रहे हैं अभी, ये हमारी मे बी आखिरी राइड हो। ये इसी रोड से आगे ये राइड है, ये थोड़ा सा ही आगे है, ये हम खड़े हैं और ये राइड है। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे, इनको पिक करते हैं। दोस्तों तकरीबन 3:30 बजे येंगो वालों ने फ़ोन किया था, वो कह रहे थे कि आप येंगो नहीं चलाते, आप टारगेट भी सिर्फ दो राइड्स का लेते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आपका फेयर ही इतना कम है कि मतलब मज़ा ही नहीं आता, अर्निंग भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो फिर कहने लगे कि आप दो से ज़्यादा बोनस वाला जो टारगेट है वो आप लिया करें तो उसका फेयर अच्छा होता है, और आप ब्रेडिंग करवाएं, ब्रेडिंग मतलब वो गाड़ी पे स्टिकर लगवाएं तो उससे आपका फेयर बढ़ जाएगा। कह रहे थे कि आज हमारे कल हमारी कोई कंपेन है स्टिकर लगाने की, तो वहाँ पे आप आ जाए तो हम आपको लगा देंगे 1000 रुपये में स्टिकर, और फेयर भी बढ़ जाएगा। मैंने तो उनको कहा था कि चलो ठीक है, मैं टाइम निकाल के आऊँगा, लेकिन मसला ये है कि दोस्तों मेरी पर्सनल गाड़ी है और मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ, तो मेरे ख्याल में मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं ब्रांडिंग करवाऊँ, क्योंकि ब्रांडिंग जो है वो उसे गाड़ी जो है एक लिमिटेड काम के लिए हो जाती है, तो मैं तो नहीं करवाऊँगा। वैसे उनको बोल दिया कि मैं कल आ जाऊँगा अगर टाइम मिला तो। दोस्तों ये राइड ड्रॉप की है हमने G13-2 में, तो ये हमारी आखिरी राइड थी। ये 12 किलोमीटर की राइड थी, 450 रुपये इनका फेयर था, और ये हमने येंगो में राइड ड्रॉप की है। येंगो में दोस्तों टोटल हमने 5 राइडें ड्रॉप की हैं, और इन ड्राइवर में 4 राइडें ड्रॉप की हैं, तो ये टोटल 9 राइडें हुई हैं, और अर्निंग जो है वो 1800 रुपये इनकी येंगो की हुई है अर्निंग, और 1675 अर्निंग जो है वो इन ड्राइवर में हुई है। तो टोटल इन ड्राइवर में दोस्तों हमने 45 किलोमीटर काम किया है, और येंगो में जो है 43 किलोमीटर काम किया है। येंगो में आज मुझे समझ नहीं आ रही कि अर्निंग थोड़ी ज़्यादा हुई है इन ड्राइवर से। मेरे ख्याल में ये पीक फैक्टर की राइड थी, 1.2, 1.3, 1.1, तो शायद इस वजह से येंगो की अर्निंग
ज़्यादा हुई है इन ड्राइवर से। वैसे यंगों का फेयर कम होता है। 5 राइडें ली हैं हमने, 2 राइड का बोनस टारगेट लिया था। काश हम 5 का ले लेते तो 650 का बोनस ले लेते। बहरहाल 250 का बोनस वो भी ऐड हुआ है। अगर देखा जाए तो यंगों की जो अर्निंग है, यंगों की जो अर्निंग है वो ड्राइवर से ज़्यादा हुई है। 1800 और 250, ये 2050 अर्निंग हुई है बेसिकली यंगों की। तो ये दोस्तों हमारा काम था। टाइम जो है, हमने जुम्मे से पहले 2 राइड ली थी, जुम्मे के बाद 1 राइड ली थी, तकरीबन 1.5 और 1/2 घंटा। 2 घंटे ये हो गए और 3 घंटे 5 से अभी 8 हुए हैं, तो 3 घंटे ये हमने 5 घंटे टोटल काम किया। ये 5 घंटे की अर्निंग है। आज माशाल्लाह अर्निंग ज़्यादा हुई है। पेट्रोल हमने सिर्फ 1000 रुपये का डाला है, वही अभी चल रहा है 1000 रुपये का पेट्रोल। तो आज की जो अर्निंग है वो यही है। वीलॉग दोस्तों यहाँ पे हम ईन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको वीलॉग ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।